अरुणाचल प्रदेश में चीनी सीमा पर शहीद होने वाले सूबेदार सुधाकर सिंह का पैतृक शरीर बुधवार को देर रात उनके पैतृक गांव पहुंचा। गुरुवार को गांव में उनके शव का अंतिम संस्कार किया गया। सुधाकर सिंह की अंतिम यात्रा में भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। जिले भर से पहुंचे लोगों ने शहीद को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। लोगों ने भारत माता की जय, सुधाकर भैया अमर रहे के नारे लगाए। जब सुधाकर सिंह का तिरंगे में लिपटा शरीर अंतिम संस्कार के लिए घर से निकला तो उनकी अंतिम यात्रा को देखकर लग रहा मानो जनसैलाब उमड़ पड़ा हो। जिले के लाल की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब रहे। सुधाकर सिंह के बेटे ने उनकी चिता को मुखाग्नि दी। वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम दिखी। आपको बता दें, 3 दिन पहले चीन सीमा पर तैनात सुधाकर सिंह ड्यूटी करते समय शहीद हो गए थे। भारी बर्फबारी और ठंड के चलते उनकी मौत हो गई थी। न्यूज़ डेस्क।